नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेम। स्टेम के अंदर जो कि मूल पार्ट ऑफ दी सीड से ओरिजिनेट होता है, उसके अंदर क्या मेन मेन पोर्शन होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन क्रिएट करता है वो। द फर्स्ट वन इज इट इज दी असेंडिंग पार्ट ऑफ दी प्लांट। जो असेंडिंग दैट मीन्स जो ग्राउंड के अबव जो पोर्शन होता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है, दैट असेंडिंग पार्ट ऑफ दी प्लांट इज नोन एज स्टेम। एंड इट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम दी प्लूमूल पार्ट ऑफ दी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो दैट इज जो कि आगे चलकर सीड बनाता है। एंड इट बियर्स नोड्स एज वेल एज इंटरनोड्स। हमने पहले भी देखा जब हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किया था, उसके अंदर जो स्टेम पोर्शन होता है इट इज डिवाइडेड इंटू नोडल पार्ट और इंटर नोडल पार्ट। उसके बाद बर्ड्स कैन बी टर्मिनल और कैन बी एक्सिलरी। जो बर्ड्स जो हैं वो टॉप पे प्रेजेंट होते हैं दैट आर नोन एज दी टर्मिनल बर्ड्स, और जो एक्सिल पोजीशन पे होते हैं लेटरल पोजीशंस पे होते हैं उनको हम एक्सिल बर्ड्स कहते हैं। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको इसके सारे पोर्शन जो है स्टेम के ऊपर जो होते हैं वो आपको क्लियरली दिखेंगे। सबसे पहले दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम जिसके अंदर नोड्स होती हैं। नोडल पार्ट्स पर कोई भी कोई भी स्टेम जो है ओरिजिनेट होती है या फिर कोई बर्ड जो है वहां से ओरिजिनेट होता है या बनता है। उसके बाद में दो नोडल पार्ट्स के अंदर जो पोर्शन होता है दैट इज नोन एज इंटर नोड पार्ट। उसके बाद जो टॉप पर जो टर्मिनली बर्ड्स या लीव्स प्रेजेंट होती हैं उनको टर्मिनल बर्ड्स या फिर टर्मिनल लीव्स बोलते हैं, और जो एक्सियल पोजिशन पर बर्ड्स या लीव्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम एक्सिलरी बर्ड्स या लीव्स बोलते हैं। उसके बाद टर्मिनल बर्ड के साथ कुछ यंग लीव्स और ग्रोइंग पार्ट जो होता है प्लांट का वो और लोकेटेड होता है उस पोर्शन पे, टर्मिनल पोर्शन ऑफ दी स्टेम पर। उसके बाद जो मेन फंक्शंस हैं, मेन फंक्शन जो कि एक स्टेम कैरी आउट करती है बिकॉज उसके ऊपर प्लांट्स के स्टेम के ऊपर लीव्स प्रेजेंट होती हैं, तो सबसे बड़ा काम क्या है, लीव्स की प्रेजेंस की वजह से वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो मेनली जो मेन फंक्शन स्टेम कैरी आउट करती है दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एज वेल एज मिनरल, क्योंकि इसके अंदर एक पूरा कंडक्टिंग सिस्टम बना होता है प्लांट स्टेम के अंदर जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को एज वेल एज मिनरल और वाटर को पूरे प्लांट सिस्टम के अंदर। After that, it provides leaves, flowers or fruits to everybody. उसके बाद storage of food भी करता है ये, support provide करता है किसी भी plant को, और vegetative propagation के लिए भी important होता है। There are two kinds of propagation methods जो कि vegetative और sexual reproduction के through होता है, और जो vegetative propagation है उसके अंदर हम कई बार stems को काट के अगर आप saw करोगे ground के अंदर तो it will originate a new plant। जिस तरह से शुगर केन की क्रॉप के फील्ड्स में होता है कि हम शुगर केन के नोडल पार्ट को कट करके उसको ग्राउंड में सॉ करते हैं और उसमें से एक नया प्लांट हम बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो उसके अंदर भी स्टेम का एक बहुत बड़ा रोल है। ये तो था मेन स्टेम के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अगर हम उसकी मॉडिफिकेशंस को देखें, जिस तरह से रूट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हुई थी, उसी तरह से स्टेम पोर्शन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। वो मॉडिफिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, सबसे पहले टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, दे डिवेलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड्स एंड दे आर सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। कॉइल्ड फॉर्म में कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सिलरी बर्ड से क्रिएट होते हैं एंड दे हेल्प्स द प्लांट टू क्लाइंब इन एनी पार्ट। जो भी आपने बेल देखते हैं आप किसी प्लांट के ऊपर, अगर कोई बेल है जो कि जिसका स्टेम पोर्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, तो उसके अंदर से कुछ टेंड्रिल्स लाइक स्ट्रक्चर, कुछ स्प्रिंग फॉर्म में कॉइल स्ट्रक्चर्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं जो कि उसकी एक्सिलरी बर्ड्स की वजह से मॉडिफाई हुए हैं। वो जो टेंड्रिल्स हैं वो प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं सो दैट कि इट विल क्लाइंब ओवर दी अनदर प्लांट और वो उसके ऊपर ग्रो कर सके। सबसे पहला एग्जांपल जो है इसका वाटरमेलन है। अगर आपने वाटरमेलन का प्लांट देखा हो तो उसके अंदर से कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर्स जो कि स्प्रिंग लाइक होते हैं वो उसमें से ओरिजिनेट होते हैं जो कि उस वाटरमेलन की प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट थॉर्न। थॉर्न आप सबको ही पता है एक्सिलरी बर्ड से ही मॉडिफाई एक अनदर स्ट्रक्चर है स्टेम का एंड इट गेट मॉडिफाइड इनटू द वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर। जो स्पाइन्स आपने देखे होंगे कुछ कांटे लगे होते हैं प्लांट्स के ऊपर फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस,
वो भी क्या है, एक्सिलरी बड की एक मॉडिफिकेशन है स्टेम की, जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी ग्रेजिंग, जो भी एनिमल्स उनको खाते हैं, या अनदर काइंड ऑफ जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. सो बड़ा एग्जांपल इसका क्या है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, जिनके जितने भी उसके अंदर आपको ये थॉर्न्स जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे. एंड देयर इज सम ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे कि बोगनवेलिया है, उसके अंदर भी आपको थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो है ये मिलेंगे. आफ्टर दैट फ्लैटर्ड स्टेम, कई बार जो स्टेम है वो राउंड ना होकर के फ्लैट स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है. एंड इन दी एरिड रीजन स्टेम्स गेट फ्लैटर्ड, फ्लैशी एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर टू कंटेन दी क्लोरोफिल. एग्जाम्पल इज ओपनशिया. कुछ सेमी एरिड रीजन्स जो होते हैं जहां पर एयर की ज्यादा एयर नहीं होती है ज्यादा, जहां पर उस कंडीशंस के अंदर प्लांट को क्या करना होता है, अपनी स्टेम को मॉडिफाई कर लेते हैं प्लांट, और उनके अंदर जो प्लांट की स्टेम होती है उसके अंदर क्लोरोफिल फिल होता है, सो दैट की दे विल ऑल्सो परफॉर्म दी फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. मेनली जो फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो लीव्स कैरी आउट करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल वहीं प्रेजेंट होता है. बट अगर यही क्लोरोफिल एक फ्लैटन स्ट्रक्चर जो कि एक मॉडिफाइड स्टेम स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर प्रेजेंट हो, तो दे विल ऑल्सो परफॉर्म दी फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस और वो अपने लिए फूड सिंथेसाइज कर सकती है. उसका मेन एग्जाम्पल जो है वो है ओपनशिया का, जो आपने अपने नियर बाय एरियाज के अंदर भी देखा होगा. अगर हम देखें सबसे पहले इन डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के स्ट्रक्चर्स को अगर हम स्टडी करें, तो सबसे पहले आपने देखा होगा टेंड्रिल्स, जो कि लीव टेंड्रिल्स होती हैं, उसमें से क्या है स्टेम मॉडिफाई हो जाती है कुछ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, जो कि क्लाइंबिंग में उसकी हेल्प करती है. आफ्टर दैट जो सिट्रस फ्रूट है, जो कि एग्जाम्पल है लेमन का, अगर आपने प्लांट देखा हो अपने घरों में, उसमें भी कुछ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं. आफ्टर दैट जो ओपनशिया है उसके अंदर क्या है, लीव्स जो है वो कुछ स्पाइंस की मॉडिफिकेशन कर देती हैं ताकि वाटर का लॉस कम हो, और जो स्टेम है वो स्टेम जो है वो एक फ्लैशी स्ट्रक्चर बना देती है. फ्लैशी स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो कंटेंट को, वाटर कंटेंट को स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि उनका जो वाटर लॉस है वो ज्यादा से ज्यादा ना हो सके और वो वाटर को सेव कर सके. और उसी के साथ उनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, सो दैट क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ये स्टेम्स जो है ये फोटोसिंथेसिस भी करती हैं. इसी के साथ ही देयर आर सम अदर मॉडिफिकेशन. द अदर मॉडिफिकेशन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होती हैं, जिस तरह से हमने अंडरग्राउंड रूट्स पढ़ी हैं, उसी तरह से कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं कुछ प्लांट्स की, दे स्प्रेड टू न्यू नीके व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड. क्या होता है इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर, समटाइम जो मेनली जो हर्ब्स होती हैं उसके अंदर इस तरह का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला स्टेम मॉडिफिकेशन देखा गया है, जहां पर स्टेम जो है वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती है, और जब पुराने वाला प्लांट जो है वो डाई हो जाता है, तो वो जो नया स्टेम सिस्टम मॉडिफाई होकर ग्रो किया है उसमें से एक नया प्लांट जो है वो ओरिजिनेट हो जाता है. सेम एज दैट ऑफ दी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन दी शुगर केन क्रॉप. आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है जैस्मिन फ्लावर का, जिसके अंदर जो रूट है ओल्डर प्लांट है उसमें से कुछ स्टेम्स जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगी, जो कि स्टोलन और रनर का काम करती हैं. जब ये ओल्डर प्लांट जो है वो वीक हो जाता है, डाई हो जाता है, तो उस नए स्टेम में से एक नया प्लांट जो है वो ओरिजिनेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडिफाइड स्टेम. उसके बाद एक और मॉडिफिकेशन है स्टेम की, दैट इज द स्टोरेज फॉर्म. मेनली जैसे रूट्स जो है वो स्टोरेज का काम करती हैं, उसी तरह से कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स भी होती हैं जो कि फूड को स्टोर करके रखती हैं. द बेस्टेस्ट एग्जांपल्स आर पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक. ये जो एग्जांपल्स हैं, ये इसके अंदर क्या होता है, जो फूड है वो स्टोर हो जाता है स्टेम्स के अंदर. यहाँ आप देख सकते हैं ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर्स हैं इनके, दैट इज बिकॉज ऑफ दी फूड स्टोर्ड इन दीज स्टेम्स, मॉडिफाइड स्टेम्स. जैसे पोटैटो ट्यूबर के अंदर मेनली स्टार्च जो है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, वो स्टोर होता है. इसी तरह से इस तरह की मॉडिफिकेशन जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स जो है हमें प्रोवाइड कराते हैं. बिकॉज ऑफ दीज मॉडिफिकेशन जो स्टेम्स हैं अंडर डिफरेंट एनवायरमेंट अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, सर्वाइव करने के लिए कैपेबल हो जाती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी स्टेम्स एंड देयर पार्ट्स और देयर मॉडिफिकेशंस. थैंक यू.